हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी, एमटीएस और एनटीपीसी और ग्रुप टी में ये सब क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योग 434 है, उनका महत्तम संवर्तक 33 है, तो संख्याओं में कितने युग्म हैं? दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक, दो संख्याओं का योग 434 है, उनका महत्तम संवर्तक 33 है, तो संख्याओं में कितने युग्म हैं? तो देखिए, टोटल संख्या यदि निकालते हैं तो देखिए, यदि संख्या मान ली, दो संख्या है, संख्या यदि मान ली ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 434, इनका महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? इनका महत्तम समावर्तक है 31। ये लिख सकते हैं 31 ए प्लस 31 बी बराबर हो गया 434। यहाँ पे 31 को मान लेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 434। 434 का यदि 31 से कटाते हैं तो कट जाएगा आपका 11 वर्ग में, ये आपका कटेगा कितना वर्ग में? 14 वर्ग में कट जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 14। अब देखिए, हम लोग को ऐसा संख्या लेना है जो कि फोर प्राइम नंबर है, जो संख्या खुद से और एक से भाग दे, ऐसा प्राइम नंबर देखिए, एक और 13 लिखेंगे, 13 एक 14 हो गया। उसके बाद देखिए, 3 और 11 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया, देखिए 1 13 3 11 5 9 आपका कितना युग्म बन जाएगा? 3 युग्म बन जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। नंबर क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। देखिए, बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे? इसमें आपका 24 दिया हुआ है, 24 के बाद 32 है, 32 के बाद 42 है, इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे क्योंकि सबसे डिवाइड हो जाते? देखिए, ऐसा संख्या है आपका कौन सा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? 24 32 42, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आपका आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। 2 से क्या होगा कि सब डिवाइड हो जाएगा, 2 से 24 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। तीसरा हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ताश के पत्तों की एक गड्ढी से आश्रित रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, टेस्ट कार्ड मिलाने के लिए प्रयोगता क्या होती है? प्रयोगता क्वेश्चन निकाले क्या निकाला हमको? प्रायिकता निकालना। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो देखिए, आने की संभावना, देखिए फेस फैक्टर में कितना होता है, टोटल कितना पट्टी होता है? 52 पट्टी होता है। आने की संभावना कितना हो सकता है? 12 बटे हो जाएगा 52, ये हो जाएगा आपका देखिए कितना? 3 चौके 12 13 चौके 52, 3/13 आ जाएगा। प्रायिकता की संख्या 3/13, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और नंबर क्वेश्चन का नाम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 627 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। 11 और कितना 13 शेष बचे। देखिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी डिमांडर जो बच रहा, देखिए 627 है, 627 में 11 घटा दीजिए, इस 627 में 11 घटा गया कितना हो जाएगा? 7 में से 1 किया 6, यहाँ हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 616। इसके बाद आपका कितना है? 233, 233 में 13 घटा दीजिए, 220। बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो देखिए, बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा? क्या होता है? 600 और 220 क्या है आपका? सम संख्या। आंसर जो है हमेशा आपका क्या है? आंसर ये भी सम वाला कभी होगा नहीं, ठीक है आपका, या तो 44 हो गया तो 22 होगा। तो देखिए, बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 44 से दोनों कट जाएगा, हालांकि 22 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी संख्या देना है, तो 44 वो बड़ी से बड़ी संख्या आपका 44 हो जाएगा, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, एक कार और एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात 4:7:3 है। कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का औसत 70 किलोमीटर पर आवर है,
तो कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत क्या है? कार और रेलगाड़ी की चालों का औसत क्या है? देखिए चाल दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है कि आपका कार है, उसके बाद क्या है, कार के बाद रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के बाद आपका बस दिया हुआ, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:7:3। अब 4:7:3 देखिए दिया हुआ है इसका चालों का अनुपात, देखिए टोटल औसत दिया हुआ है कितना, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, टोटल संख्या ऐड करते हैं, 4, 7, 4, 11, 11, 3 हो जाएगा 14। औसत निकालना है तो देखिए क्या, तीन संख्या, तीन से भागा दे दीजिए। अब देखिए किसका किसका निकालना है, देखिए कार और रेलगाड़ी, कार और रेलगाड़ी का, कार और रेलगाड़ी का औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 7 कितना हो जाएगा, 11 औसत निकालेगा, 11/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, 14/25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए 5 ऊपर में 3 है, नीचे में है तो ऊपर चल लगे, हो जाएगा 15/11/2। अब इसको गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15, ये हो जाएगा 5 165/2 आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 165 का आधा होता है 82.5 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन है आपका बी। सिक्स नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, देखिए भुजाओं की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी समबाहुभुज, किसी भी समबाहुभुज में इसका बहिष्कोण हो जाएगा, बहिष्कोण का योग हमेशा, बहिष्कोण का योग हमेशा होगा 360 डिग्री, ठीक है। यदि प्रत्येक बहिष्कोण, यदि प्रत्येक बहिष्कोण बराबर थीटा, भुजाओं की संख्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 360 बटे हो जाएगा थीटा। अब देखिए आपका एन, आपका या तो फिर क्या कर सकते हैं, एन भुजाओं की संख्या 360 बटे हो जाएगा आपका कितना, 10। अब इसको कटा, 360 बटे आपका हो जाएगा कितना, 360 बटे कितना है, भुजाओं की माप 36 डिग्री, 36 से भाग से भी आपका आ जाएगा 10 डिग्री, एन हो जाएगा आपका 10, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए एक राशि को, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है तो राशि क्या कीजिए, देखिए एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर राशि याद कीजिए, तो देखिए राशि मान लीजिए मूलधन निकालना है, पी बराबर क्या लिखते हैं, 85, और 85 बटे आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना, 50 बटे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 30 बटे 100 बराबर हो जाएगा कितना, 51 के बराबर, ठीक है। अब फिर इसको कटाइए, देखिए कटाने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 20 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 50 × 100 हो जाएगा, अब चलिए 17 + 51 हो गया, 17 + 51 3 नहीं आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब फिर इसको इसके 10 × 20 हो जाएगा, पहले का अर्थ हो गया पी बराबर हो गया कितना, 2 × 200, ये हो जाएगा आपका कितना, 400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कौन सी एक अभाज्य संख्या, 147, 273, 143, 137। तो देखिए अभाज्य संख्या निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 21 का फैक्टर आज 143 का 21 × 7 करेंगे 247 आएगा, 273 का हो जाएगा कितना, 3 × 91 करेंगे तो 273 हो जाएगा, लेकिन 143 है इसका 11 × 13 करेंगे तो आपका 143 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा संख्या लेने की जो कि आपका क्या हो जाएगा, खुद से एक से और खुद से, ऐसा संख्या आपका कितना है 137 जो कि एक से लगेगा और खुद से लगेगा, जो कि अभाज्य संख्या आपका 137 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए √41 - फिर क्या है √21 + √19 - √9 का धनात्मक मान गया, इस तरह के रूट के संख्या, रूट के अंदर की संख्या है, तो देखिए इसको हम लोग कितना सिंपल तरीका से सॉल्व करते हैं, देखिए रूट, देखिए 9 इधर से चलते हैं, इसे चलते हैं, देखिए 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 19 में 3 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब 21 में 4 घटाएंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का कितना, किसका रूट होता है 5 का, 41 में 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 41 में 5 घटाते हैं 41 - 5 करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 36, किसका वर्ग है 6 का, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
टेन नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो वस्तु को 289 मीटर निचले पर 15% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 289 कितना परसेंट 15% की हानि हो जाएगी, मतलब हानि का अर्थ हो गया 85 हो जाएगा पुनः 100। ये देखिए 17 5 85 20 25 100 17 17 17 179 होता है, 17 को 2 से 20 से मल्टीपल किया कितना 340 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 11 डिग्री 10 5 डिग्री 10 45 डिग्री 10 4 डिग्री 10 80 डिग्री 10 मान लो। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, 10 देखिए 11 डिग्री तो 10 कितना 80 डिग्री को चेंज करेंगे तो आपका कितना 10 11 10 80 उसके बाद 10 41 10 50 आपका वैल्यू कितना आ जाएगा। एक गुना एक को यदि हजारों बार यदि गुना करते हैं तो फिर मन मन होता है ये कितना हो जाएगा, वो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए क्या यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर 65% 63 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के बराबर है तो संख्या क्या है, प्राप्त संख्या उस संख्या के बराबर है देखिए कितना परसेंट 65% उसका टोटल कुल राशि अपने आप में कितना 100% होती है। चलिए अब देखिए 65% में आपको कितना 63 जोड़ना है, 65% में आपको कितना जोड़ना 63 जोड़ना है उस संख्या के बराबर राशि प्राप्त होती है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 65 और 100 में देखिए कितना का डिफरेंट है, 35 का डिफरेंट है, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 63 बटे हो जाएगा 35 गुना हो जाएगा 100 क्योंकि उस संख्या के प्राप्त संख्या है उस संख्या के बराबर संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए जो कटाएगा 7 35 20 25 100 7 9 63 9 18 आपका उस संख्या कितना होने 180 जो ऑप्शन है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 36 व्यक्तियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीता है, 36 व्यक्तियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीता है, 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, 22 व्यक्ति चाय पीते हैं उनमें से कितने लोग हैं दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो देखिए डायग्राम बनाएंगे तो देखिए क्या है, 22 व्यक्ति चाय पीता है, कितना व्यक्ति चाय पीता है तो 22 व्यक्ति आपका चाय पी रहा है, 22 व्यक्ति चाय पी रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, 22 व्यक्ति चाय पी रहा है उसके बाद कितना व्यक्ति है तो 18 व्यक्ति चाय पीते हैं, टोटल चाय पीने वाले व्यक्ति चाय पीते हैं 18 व्यक्ति चाय पीते हैं। देखिए 18 कितना हमको पुराना 22 पुराना था, 18 चाय पीट करते 18 चार 22 हो गया। अब देखिए कितना है टोटल, टोटल आपका डायग्राम कितना का बनेगा, 36 व्यक्ति का बनेगा तो देखिए 18 चार हो गया था कितना बचा, 18 चार 22 हो गया, 22 14 22 में यदि 14 करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है लेकिन कितने व्यक्ति हैं जो चाय नहीं पीते हैं, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका चाय हो गया, ये दूध हो गया, आपका कितना व्यक्ति है जो कि चाय नहीं पी रहा है, तो कितना व्यक्ति है ऐसा कौन सा व्यक्ति है, 14 व्यक्ति है जो कि सिर्फ दूध पी रहा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक घन की सभी भुजाओं का अनुपात है उसका आयतन ज्ञात करें। तो देखिए घन में कितना भुजा होता है, घन में कितना कोण होता है, 12 कोण होता है, 12 कोण की भुजा का योग कितना दिया और 72, ठीक है तो 12 छः कितना हो गया 72, तो भुजा आपका हो जाएगा 6। आयतन निकालना है तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, तो 6 का क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 216 क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 20000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो क्या बताया था, डी बराबर बताए थे अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे पी आर बट पी इंटू आर इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है, डी निकालना है, अंतर निकालना, तो देखिए मूलधन दिया हुआ है 20000,
इंटू आर आपका आठ है, आठ गुना आठ हंड्रेड गुना हट जाएगा हंड्रेड। अब देखिए इसको कटाइए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो आपका हो गया दो अठी अठी चौंसठ हो जाएगा। चौंसठ को दो से गुना कर दिया, चार गुना आठ छः गुना बारह एक सौ अट्ठाईस रुपये हो जाएगा, जो कि अंतर जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।